First of all, we are very thankful to all of you for giving coverage to this event. Though after 9-10 months, we are in front of you. We have a very peculiar situation here in Kashmir. As you are witness to it, our businesses are suffering since 10 months. And we have never come out of lockdown, though we have met Union Home Minister, Union Finance Minister, and MOS in PMO. We have deliberated almost for 1 hour 45 minutes the challenges we are facing here in Kashmir, business challenges. We have multiple challenges. It's not like one challenge we have to. We are suffering and we are sustaining since decades due to various circumstances which we have faced from year on year. आप लोगों को अगर हम इसका पूरा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जाया हो जाएगा. नंबर वन, जब हमारा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना डीपीआर बनाता है तो वो उसमें 365 वर्किंग डेज में एटलीस्ट 300 वर्किंग डेज शेयर करता है. वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तैयार होता है सब कुछ कमीशन हो जाता है, मगर एक्चुअल में आप देखेंगे उसको 200 वर्किंग डेज भी कम नसीब होते हैं, जिसके बिना पे वो बेचारा सस्टेन नहीं कर पाता है और उसके मतलब उसके पावर्स ही में नहीं है कि वो कैसे सस्टेन कर पाएगा. अब इस सब को देख के जो हमारे पास डिफिकल्टीज थी, हम जहां जहां पे हो सका हमने पहले एलजी साहब को, पूरा कैबिनेट उनको उनकी सुनाई, पूरे हम उस वक्त भी 25 प्रेसिडेंट्स चले गए, पूरा उनको अपडेट किया कि जो हमारे पोजीशन है वो पोस्ट अगस्त सिचुएशन के वी हैव लॉस्ट द फाइनेंशियल कैपेसिटी. अब इसको रिवाइव कैसे करेंगे, जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं जो रन करना चाहते हैं उनको रन कैसे करेंगे, और जो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं उनको ऑनरेबली एग्जिट कैसे देंगे, ताकि वो बेचारे कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही वैसे हैं. मगर वहां पे भी हम आगे चले, फिर हम यूनियन में चले गए, यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की 17 मार्च को, जो पौने 2 घंटे मैंने अभी कहा आपको, और पूरा लगभग 15 जो ट्रेड के प्रेसिडेंट्स थे वो भी इसमें हिस्सेदार थे. उसके बाद सिचुएशन आ गई कि पोस्ट COVID-19 पेंडेमिक आ गया, प्रायोरिटीज बदल गई, और डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास भी एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कैसे इसको कंटेन करें इस वक्त, क्योंकि डैमेज ज़बरदस्त थे वर्ल्ड ओवर. तो अंडरस्टैंडेबली हम भी समझ गए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अभी पेंडेमिक है. मगर अभी जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन हो गया और पूरा हिंदुस्तान में जितने भी हमारे इंडिया में हमारे बिजनेस दोस्त हैं, हमारे बिजनेस कोलीग्स हैं, उन्होंने चलाना ह्यू एंड क्राई स्टार्ट किया कि हमारे बिजनेस खत्म हो रहे हैं, हमें बेल आउट करने की जरूरत है. और खुशाइंदा बात यह है कि RBI ने भी सुनी बात और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी सुनी और एक 20 लाख करोड़ का पैकेज सामने आ गया. इस पैकेज के बाद जब हम देखेंगे कि 2-2.5 महीने के बाद ही ये पैकेज सामने आ गया, तो जो हमारे कश्मीर की बिजनेस फेटर्निटी है, इसके बाद आपस में बातचीत स्टार्ट हो गई कि हमारी पोजीशन किस तरह से ठीक होगी. हमारी पोजीशन 2 महीने इस पैकेज में हम फॉल नहीं होते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं. हमने ऑलरेडी 17 मार्च को भी उनको अपडेट किया है, दो वी वेयर हर्ड वेरी पेशेंटली, मगर अभी हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं है. हमारे जो फीडबैक है बिजनेस कम्युनिटी का वो बड़ा परेशान कुन है. लोग कहते हैं कि जब हम अनलॉक पीरियड में आ गए तो अनलॉक पीरियड में हम बिजनेस रिवाइव करने के लिए वी डोंट हैव लिक्विडिटी, देयर इज नो कैश फ्लो. इस कैश फ्लो को कैसे करने के लिए हमारे पास जो मेजर्स हमने दिए थे कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये 2 महीने का नहीं है. हिकमतन आप देखेंगे, प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे, पिछले
तीन दिहाई तीन डेकेड से हम सफर कर रहे हैं, हर दो साल के बाद यहाँ पे चेंज कुछ न कुछ ऐसा वाका होता है जिसकी बिना पे हमारी बिजनेस कम्युनिटी सफर करते हैं। आज जब हम दो ढाई महीने के बाद देख रहे हैं अनलॉक वन इन्होंने डिक्लेयर किया, मगर यकीन माने जो फीडबैक है टूरिज्म वालों से मैंने बात की, इतने परेशान मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री को देखा है कि उनकी नज़रें टिकी हुई थी कि हम जो पोस्ट अगस्त सिचुएशन है, एक साल तो उनका चला गया 2020, आई डोंट सी एनी टूरिज्म कमिंग, 2021 लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ये जो मेरे ख्याल से एक अनसर्टेनिटी है, इससे ना तो घर चलते हैं और ना तो बिजनेस चलते हैं। हमारी जो ये अनसर्टेनिटी है ये हमको ज़बरदस्त परेशान कर रही है, जिसके आपको अगर शेयर नहीं करेंगे ये बातें, पूरे कौम को नहीं करेंगे शेयर, तो मेरे ख्याल से हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। नंबर वन, आप टूरिज्म से निकल लिए, आप देख लीजिए हमारा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बेचारे अभी जो हमारा अगस्त सीजन था, सितंबर अक्टूबर समहाउ मैनेज करके उधर इधर कितनी परेशानियों को लेके, पैनिक सेल भी जो हमने बताया कि कैसे लोगों ने की ताकि माल बाहर पहुंच जाए। आजकल जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो हमको सपोर्ट की उसको ज़रूरत है। अभी देखिए चेरी का सीज़न है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चेरी जो है अपने मार्केट में पहुंच जाए विदाउट एनी हिकअप्स।